नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज मैं बात करूंगा आप लोगों से बैंक निफ्टी के बारे में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है मैं आज काफी दिनों के बाद जो है आप लोगों के सामने आया हूं। मीन्स मतलब मैं जो है थोड़ा मेरे को हेल्थ इशू था, तो अभी भी मतलब है, मतलब चलो ठीक है, मतलब आप लोगों से कनेक्ट होने का दिल गया, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों के लिए अब डेली जो है कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी के लिए वीडियो बनाने के लिए। वहां पर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट लेवल प्रोवाइड करूंगा और बताया करूंगा कि मतलब जो कल के डेट में, टुमारो में, मतलब जो है बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है, और उसके कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कल आज क्या हुआ। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने जो है बहुत ही अच्छी एक मूवमेंट की है। स्टार्टिंग की जो स्टार्टिंग जब मॉर्निंग में ओपन हुआ था बैंक निफ्टी, तो वहां पर जो है उसने एक रेड कैंडल एक बड़ी सी बनाई थी। तो वहां पर मतलब कुछ लोगों का ऐसा व्यू था कि मतलब मार्केट नीचे जा सकती है। मेरे से स्टूडेंट्स जो है मतलब मेरे से कंटिन्यू मैसेज कर रहे थे कि सर मार्केट नीचे जा सकती है क्या। मैं कहा नहीं, आप होल्ड करो। सो यहां पर मैं आप देखिए, मैं आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूं और मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं कि आज क्या हुआ। तो देखिए आप, जैसा कि यहां पर देखिए, अब जैसा कि हमारा एक हम टेक्निक यूज करते हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं, तो यहां पर देखिए जो प्रीवियस डे की जो ये स्विंग लो लगा हुआ है, मींस ये जो लो लगा हुआ है, ठीक है, यहीं पर आज मार्केट ओपन हुई है। जो प्रीवियस डे का यहां पर स्विंग लो लगा हुआ था और जहां पर मार्केट क्लोज हुई थी, तो यहां पर मार्केट ओपन हुई और ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं आप, 15 मिनट की एक रेड कैंडल बनी हुई है। और यहां पर ओपन होने के बाद जो है स्टूडेंट्स वगैरह और काफी लोग यहां पर पैनिक हो गए थे कि मतलब मार्केट जो है नीचे काफी जा सकती है। सो हमने जो है देखिए, हमने यहां पर पेशेंस से काम लेना है। हमने जो है मतलब जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड यहां पर हम नहीं करते हैं। सो हमने यहां पर देखिए बहुत पेशेंस से अपना काम किया। स्टूडेंट्स वगैरह को ऑप्शन बैच में भी मैंने बोला कि आप जो है पेशेंस रखिए। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर जैसे ही बैंक निफ्टी ने आज का जो है हाई निकाला, ये देखिए यहां पर जैसे ही बैंक निफ्टी ने आज का हाई निकाला, उसके बाद देखिए कितनी अच्छी कंटिन्यू मूवमेंट आपको देखने को यहां पर मिली है। और ये जो बैंक निफ्टी का जो आज का 15 मिनट का जो हाई लगा हुआ था वो 24,300 की नियर अबाउट था, और 24,300 निकालने के बाद मार्केट ने जो है 24,800 का लेवल दिखाया आज, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कुछ कॉल भी प्रोवाइड की थी टेलीग्राम में, कुछ कॉल मैंने दी थी 24,300 की, 24,500 की, 24,600 की। तो देखिए मैं देखिए जो कंटिन्यू आपको जो है प्रॉपर लेवल्स मैं वहां पर प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं, बिकॉज देखिए कुछ इश्यू है, क्योंकि मेरे को वहां पर टाइप करते करते जो है मार्केट निकल जाती है। सो मैं कोशिश करता हूं एक या दो कॉल आप लोगों को वहां पर देने की। सो देखिए हमने सबसे पहले तो जो भी दोस्त यहां पर पहली बार चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको ऑप्शन की कॉल, ऑप्शन के चार्ट वगैरह, लेवल्स वगैरह वहां पर आपको मिलते रहेंगे। तो हमने जो 24,300 की कॉल ली थी वो देखिए 227 रुपए पर ली थी, और उसने जो हाई बनाया वो 623 का बनाया। 24,600 की जो कॉल ली थी वो हमने 327 पर ली थी, और इसने 410 का हाई बनाया। और 24,500 की जो कॉल थी वो हमने 226 में ली थी, और इसने 475 का जो है हाई बनाया। तो मतलब कहने का मतलब बहुत ही अच्छा जो है मतलब एक मूव देखने को मिली है, और जो है हमने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो सबसे पहले अब यहां पर देखिए कि यहां पर लॉजिक क्या था। यहां पर यही लॉजिक है, देखिए जो कल का जो स्विंग लो लगा हुआ था, मार्केट वहां से जो ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ था, बट जो है मतलब सेलर्स यहां पर ज्यादा एक्टिव थे, तो सेलर्स जो है मार्केट को कंटिन्यू नीचे लेकर आए। कहां तक लेकर आए, जहां पर मार्केट का लास्ट डे का स्विंग लो लगा हुआ था। तो फाइनली यहां पर जब 15 मिनट की कैंडल जो है निकली है, उसके बाद कंटिन्यू एक मूवमेंट आपको देखने को मिली है। तो चलिए आज तो जो होना था हो गया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब हम यहां पर बात करेंगे कि कल के डेट में यहां पर क्या हो सकता है, ठीक है ना। हम कल की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। जो हो गया वो तो हर कोई बता देगा कि देखिए मार्केट नीचे गई है, देखिए मार्केट ऊपर गई है, तो हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम जो है बात करने वाले हैं आज आज के हम डेली जो बात करेंगे वो फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि कल की डेट में क्या हो सकता है। तो देखिए यहां पर क्या व्यू है मेरा, सबसे पहले तो मार्केट आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस पर खड़ी है। अगर मैं इसको वन डे का चार्ट यहां पर आपको लगा के दिखाऊं, तो वन डे के चार्ट में यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस था, 24,800 एक रेजिस्टेंस लेवल था। इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, तो आज पांचवें ट्रेडिंग सेशन में जाकर इस लेवल को जो है मार्केट ने टच किया है।
तो यहां पर देखिए मैं 15 मिनट के चार्ट में आपको लेकर चलता हूं और बताता हूं कि हमारा कल का व्यू किस तरह से होने वाला है। तो देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मींस 24750 से 24800 के पास ही ओपन होती है, तो हमने क्या करना है, यहां पर एक हमने यहां पर इस तरह से ट्रेंड लाइन हमने ये ड्रॉ करके आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और ट्रेंड लाइन का जब ये ब्रेकआउट होता है तो हम जो है सेल साइड की तरफ निकलेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग देना चाहिए। देखिए मैं आपको लेवल भी बता देता हूं, वो लेवल कम से कम इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, 24700 के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, 24680 हो, 24690 हो, ये लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आती है फिर तो हम जो है सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। देखिए दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग में अगर मार्केट आपको यहां पर मिलती है इस लेवल पर, ये मैं आपको लेवल बताता हूं अभी, अगर इस लेवल के कहीं आसपास मिलती है 24314 के आसपास, फिर हम यहां से एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट यहां पर गैप अप ओपन हो जाती है, मैं वनडे का चार्ट लगाता हूं फिर आपको दिखाता हूं, अगर मान लीजिए मार्केट यहां पर गैप अप ओपन हो जाती है तो गैप अप ओपनिंग में देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहां पर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वह है देखिए 25000 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद जो है 25200 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस है। तो 25000 और 25200 ये दो हमको रेजिस्टेंस हमको कल देखने को मिल सकते हैं। तो इस लेवल का ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट यहां पर जाएगी यहां पर आपको जो है एक सेल का ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, तो इस लेवल का ध्यान रखिएगा। बट यहां पर जैसा कि आप जो कैंडल देख सकते हैं, अभी मैं इसको डिलीट कर दूं उसके बाद फिर आपको जो है पिक्चर क्लियर दिखाई देगी। तो ये देखिए अभी यहां पर बहुत अच्छा है कि हैमर कैंडल बना हुआ है, ठीक है, और हैमर कैंडल जैसा कि आपको पता है अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं तो हैमर कैंडल जो है बहुत अच्छा जो है मतलब बुलिश का साइन होता है। तो यहां से अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देखिए मार्केट ने यहां पर कंटिन्यू 1 2 3 ये तीन ट्रेडिंग सेशन में मार्केट वोलेटाइल रहा था, मींस जहां से मार्केट ओपन होता था वहीं पर मार्केट क्लोज हो जाता था और कल के सेशन में मार्केट ने हमको जो है डाउन मूव दिखाया था और आज जो है देखिए कितना अच्छा एक अप मूव दिखाया है। अब यहां पर देखिए सेल साइड की तरफ तो आप जो है सिर्फ 20% ही देख सकते हैं, वैसे अब आपको जो है बाइंग साइड ही रहना चाहिए क्योंकि मार्केट में जो है बायर्स जो है एक्टिव हो चुके हैं। सो यहां पर जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है वो मैंने आपको बता दी है कहां पर, ठीक है, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगर मार्केट देखिए यहां पर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन मींस अभी मान लीजिए 24800 का लेवल है, 24840 या 50 ओपन हो जाता है, तो फर्स्ट आपको जो है मार्केट को जो है थोड़ा सस्टेन होने देना है और पहले आपको एक प्राइस एक्शन का वेट करना है। जैसे ही प्राइस एक्शन बनता है और प्राइस एक्शन के बेस पर आपने ट्रेडिंग करनी है। वैसे मैं आपको चार्ट वगैरह आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते रहूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो है जरूर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर आपको जो है काफी नॉलेजेबल चार्ट्स आपको मिलेंगे और आपका एक व्यू जो है एक क्लियर रहेगा कि मतलब मार्केट किस तरफ जा सकती है। आपको मैं वहां पर मैं कंटिन्यू चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, बैंक निफ्टी भी के चार्ट पोस्ट करता हूं और उसके बाद स्टॉक्स के भी चार्ट पोस्ट करता हूं जो मतलब अच्छा कर सकते हैं। सो यहां पर आपने अब ध्यान रखना है, अब मार्केट का जो व्यू है अब मेरे हिसाब से मार्केट का व्यू अब ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इतनी अच्छी मतलब बाइंग के बाद जो है मार्केट को अब 25000 और 25200 का लेवल जो है दिखाना चाहिए कल की डेट में। अगर मान लीजिए मार्केट यहां से मान लीजिए मार्केट यहां पर कल जो है एक समझ लीजिए यहां पर एक डोजी टाइप की कैंडल बनाती है, कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है और डोजी टाइप की कैंडल बनाती है तो यहां पर एक हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मींस परसों के लिए एक्सपायरी डे के लिए। मैं आपको बताता हूं अगर यहां पर एक इनसाइड कैंडल बनाती है, इनसाइड कैंडल अगर आपको पता होगा तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये एक बड़ी कैंडल बनी हुई है उसके बाद देखिए हैमर टाइप की कैंडल बन जाए या डोजी कैंडल बन जाए, कोई भी कैंडल बन जाए जिसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं, अगर यहां पर मार्केट कल एक इनसाइड कैंडल बनाती है तो परसों हमको जो है एक्सपायरी डे वाले दिन हमको एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिलने वाली है। सो यहां पर जो है मतलब ट्रेड जो है बहुत ध्यान से करिएगा। देखिए ये इंट्राडे ट्रेडिंग आप कुछ लोग इसको बोलते हैं ये हवा है मतलब बहुत डरते हैं, पर देखिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है,
इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपने प्रॉपर अपने रूल अपने डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो मार्केट से पैसा कमाना बहुत ही आसान है। अगर आप अपने डिसिप्लिन और रूल फॉलो करते हैं तो यहां पर आपकी साइकोलॉजी काम करती है, आपकी साइकोलॉजी यहां पर 70-75% काम करती है और 25% आपके स्ट्रेटजी, आपके कैंडलस्टिक पैटर्न, आपके चार्ट पैटर्न, ये सब काम करते हैं। सो आपको जो है अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, ठीक है, फियर और ग्रीड से जो है मतलब अच्छे से सामना करना पड़ेगा। तो यहां पर मतलब बस आपने जो है देखिए, एक कभी भी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करिए उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। विदाउट लॉजिक आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर विदाउट ट्रेड आप कोई एग्जीक्यूट कर रहे हो कोई भी ट्रेड, तो आप जो है मतलब ऑब्वियसली है कि आप जो है वो लॉस में ही कट करने वाले हो। सो यहां पर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो देखिए, मैं आज तो बस वैसे ही मेरे पास 10 मिनट का टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूं। अब कल से मैं आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के देने वाला हूं, सारे लेवल्स वगैरह देने वाला हूं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो है अब आपको लेटेस्ट चीजें मिलने वाली हैं। वहां पर आपको लेवल्स वगैरह डेली बेस पर मिलने वाले हैं, चार्ट्स वगैरह आपको डेली मैं पोस्ट कर ही रहा हूं, और वहां पर मैं कुछ कॉल्स भी अपनी दे देता हूं जो मैं अपने पर्सनल ट्रेड करता हूं, और जो ऑप्शन बैच को देता हूं वो भी कॉल्स मैं आपको देता हूं। सेकंड, आप लोगों के लिए एक ऑफर है, अगर जो कॉल मैं ट्रेड करता हूं ऑप्शन की कॉल्स जो मैं पर्सनली खुद ट्रेड करता हूं, अगर आप भी वो कॉल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ओपन अकाउंट को ओपन करना है। आप चाहे एंजल ब्रोकिंग में कर लीजिए, चाहे अलायंस ब्लू में कर लीजिए, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो है मतलब मेरी तरफ से डेली बेस पर आपको जो कॉल्स मैं ट्रेड करता हूं वही सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल्स आपको मिला करेंगी। मींस मतलब जो ट्रेड मैं कर रहा हूं वही ट्रेड आपको मैं दूंगा करने के लिए। सो वहां पर ऑब्वियसली है कि आप वहां पर जो अच्छा पैसा बना सकते हैं। सो ऑफर मिस मत करिए, जाइए जो है लिंक को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करिए, अकाउंट ओपन करिए और हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ ट्रेड करिए। ओके, थैंक यू।